नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको ये न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आप पूरी तरीके से खुश होंगे। और इस न्यूज़ के चलते चाइना पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। तो दोस्तों, न्यूज़ कुछ ऐसी निकल कर सामने आई है कि भारत की एंट्री ईस्ट चाइना सी में हो गई है। और ईस्ट चाइना सी के पास एक ट्राई जंक्शन पड़ता है, जहां पर साउथ कोरिया, जापान और चाइना का आपस में विवाद चलता रहता है। और चाइना इस क्षेत्र में हमेशा से ही अपना दबदबा कायम करना चाहता है। लेकिन अब भारत ने भी अपने युद्ध पोत पूरी तरीके से चाइना के खिलाफ उतार दिए हैं। और इस बार भारत ने अपने युद्ध पोतों को बिल्कुल चाइना के सामने लाके खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, जहां पर ये ट्राई जंक्शन पड़ता है, वहां पर भारत का INS किल्टन ने पहले तो साउथ कोरिया के साथ एक युद्ध अभ्यास किया है, और उसके बाद ईस्ट चाइना सी में ही जापान के साथ युद्ध अभ्यास किया है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बड़ी बात है। तो दोस्तों, ऐसा सिर्फ पहले अमेरिका ही कर पाता था, लेकिन भारत ने अब अटैक की पॉलिसी को अपनाया हुआ है। इसी को लेकर चाइना इतना ज्यादा खौफ में है कि वहां पर जो चाइना के न्यूज चैनल हैं, वहां पर इस न्यूज को बताया भी नहीं जा रहा है। और अगर चाइना अपने देश में इस न्यूज को चला भी देता है, तो जो चाइना की जनता है वो पूरी तरीके से भड़क जाएगी। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि चाइना हमेशा से ही भारत को क्रिटिसाइज करता आया है, और अपनी जनता को ये बताता आया है कि भारत के पास ना तो कोई अच्छे टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, और भारत तो पूरी तरीके से भूखा नंगा देश है। चाइना अपने देशवासियों को इस टाइप की बातें बताता है, और न्यूज़ को चाइना इसलिए नहीं चलने दे रहा है। अगर चाइना की पॉपुलेशन को पता चलेगा कि भारत बिल्कुल चाइना के सर पर आके खड़ा हो गया है, तो वहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ ही प्रदर्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। और भारत की साइड से चाइना को सीधा संदेश दिया गया है कि आप लद्दाख के क्षेत्र में अगर टेंशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम आपको ईस्ट चाइना सी से भी घेरेंगे। और दोस्तों, साउथ कोरिया और जापान की साइड से इस नेवल एक्सरसाइज में भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में ये भी देखा जा सकता है, अगर चाइना लद्दाख के क्षेत्र में टेंशन बढ़ाने की कोशिश करता है, तो अब भारत ईस्ट चाइना सी में घुसकर चाइना को अच्छे से जवाब देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।